12 बजे लेट नहीं, 2 बजे भेंट नहीं, ये हाल है बिहार के कर्मचारियों और अधिकारियों का। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों से जुड़ी खबरें आए दिन सामने आती रहती है। कर्मचारी 12 बजे भेंट नहीं करते और 2 बजे लेट नहीं होते, यानी कि 12 बजे से पहले कर्मचारी दफ्तर आते नहीं है और 2 बजे के पहले कर्मचारी दफ्तर से चले जाते हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों को लेकर अधिकारी और खास करके बिहार सरकार काफी ज्यादा सख्त होता हुआ भी नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। एक तरफ जहां बिहार सरकार की तरफ से अधिकारियों और कर्मचारियों को के लिए साफ साफ ये फरमान जारी कर दिया गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी समय से नहीं आते हैं और अपने काम को पूरा नहीं करते हैं तो ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों पर एक्शन लिया जाएगा, और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। 12 बजे लेट नहीं, 2 बजे भेंट नहीं, ये जुमला बिहार के सरकारी कार्यालयों में खूब चलता है। सरकारी कर्मचारी समय पर आना और समय पर कार्यालय से जाने में अपनी तौहीन समझते हैं। बताया जाता है कि कर्मचारियों को टोकने पर भी काफी दुख होता है। उनका मानना है कि सरकारी काम ऐसे ही होता है, सरकार के कार्यालय में आने और जाने का कोई समय फिक्स नहीं होता। मुंगेर के जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने शुक्रवार को जिला परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में ताला लगा मिला और कोई भी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद नहीं पाए गए। इससे नाराज जिलाधिकारी ने सभी का वेतन रोक दिया और स्पष्टीकरण भी मांगा है। उन्होंने निर्धारित समय तक कार्यालय का नहीं खुलना और पदाधिकारी और कर्मियों का उपस्थित नहीं होने पर कार्यशैली और कर्तव्यहीनता को दर्शाता है। उन्होंने चेतावनी दिया और भविष्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को भी कहा है। जिलाधिकारी ने सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने और अपने कर्तव्यों का पालन करने को सख्त हिदायत दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है और इस रवैये को नहीं बदला जाता है तो सारे कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ विभाग जो है वो एक्शन लेगा। दरअसल जिलाधिकारी के बाद में दोबारा परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्यालय में कामकाज और कर्मचारियों की उपस्थितियों की जांच की गई। उन्होंने RTPS काउंटर का भी निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। उन्होंने पाया है कि MVI का तबादला हो गया है और अभी तक किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि MVI की नियुक्ति के लिए जल्द ही विभाग को पत्र लिखा जाएगा। जिलाधिकारी ने जिला परिवहन कार्यालय के कामकाज पर असंतोष व्यक्त करते हुए ATO साक्षी प्रिया से स्पष्टीकरण मांगा है। उनके वेतन अगले आदेश तक रोक दिए भी गए हैं। उन्होंने कहा है कि ADTO द्वारा कार्यालय के स्तर को दुरुस्त और अघतन नहीं रखा जा सकता तथा अन्य लंबित कार्यों को भी समय पूर्ण से नहीं किया जा रहा है। तो एक तरफ जहां बिहार के कर्मचारी और अधिकारी 12 बजे भेंट नहीं, 2 बजे लेट नहीं का सिलसिला जारी रखते हैं, और अगर ऐसे सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से सवाल किया जाता है कि आप 12 बजे भेंट नहीं है, 2 बजे से लेट नहीं है, तो नाराज होते हुए भी नजर आते हैं। दरअसल वो अपनी तौहीन समझते हैं। उनका कहना है कि सरकारी कामकाज ऐसे ही होते हैं। अब जब इसके निरीक्षण करने के लिए अधिकारी पहुंचे और अधिकारियों ने ये रवैया देखा है अपने कर्मचारियों का, तो काफी ज्यादा नाराज हुए हैं और उन पर एक्शन लेने की भी बड़ी बात कह दी है।